श्री गणेशाय नमः। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का फल व्यक्ति को कई जन्मों तक मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार कुछ चीजों को दान करने के बाद उसका फायदा होने की बजाय नुकसान होने लगता है। मतलब कुछ चीजें दान करने से ना तो आपका भला होता है और ना ही लेने वाले का भला होता है। इसलिए कौन कौन सी चीजें दान नहीं करनी चाहिए इस बारे में जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। आइए आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति के दिन किन चीजों का दान करने से बचना चाहिए, नहीं तो जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर एक, मकर संक्रांति के दिन झाड़ू का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, साथ ही झाड़ू की घरों में पूजा भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू का दान करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। नंबर दो, पुराने कपड़ों का दान। मकर संक्रांति के दिन कपड़ों का दान करना काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखे कि भूल कर भी संक्रांति के दिन पुराने कपड़ों का दान ना करे। अगर आपको दान करना ही है तो आप नए कपड़ों का ही दान करें। नंबर तीन, तेल का दान। मकर संक्रांति के दिन तेल का दान करना भी काफी शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी घर के बचे हुए तेल को दान ना करें। अगर आप तेल दान ही करना चाहते हैं तो घर का फ्रेश तेल या बाजार से मंगा कर ही तेल का दान करें। नंबर चार, बर्तन का दान। मकर संक्रांति के दिन काफी लोग अलग अलग चीजों का दान करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में आप हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी प्लास्टिक या स्टील से बने हुए बर्तन का दान संक्रांति के दिन ना करें। इसके अलावा आप लोहे की चीजों का दान भी इस दिन ना करें। नंबर पाँच, धारदार चीजों का दान। मकर संक्रांति के दिन कभी भी धारदार या नुकीली चीजों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजों का दान करने से लेने वाले और देने वाले दोनों ही पक्षों पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, शीघ्र ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।